हेलो दोस्तों, आपका माथ स्टडी में विजय सर में स्वागत है। दोस्तों, हम इस वीडियो में रेलवे के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको देखेंगे दोस्तों, जो कि आने वाले रेलवे एनटीपीसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखें दोस्तों। स्क्रीन पर कह रहे हैं कि एक संख्या को क्रमशः 9, 11, 13 से विभक्त करने पर 8, 9, 8 शेष बचते हैं। तो यदि विभाजकों का क्रम पलट दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो देखिए दोस्तों, इसको ट्रिक से करिए। कह रहा है कि और 9, 11, 13 से भाग दिया जाए, 9, 11 और 13 से भाग दिया जाए तो शेष कितने बच रहे हैं दोस्तों। शेष बच रहा है हमारा 8, 9, 8, 8, 9, 8। तो अब कह रहा है कि यदि विभाजकों का क्रम पलट दीजिए, तो 9, 11, 13 है ना, तो पलट दिए जाए यानी 13, 11, 9, यानी 13, 11, 9 से अगर भाग देंगे कि 13, 11, 9 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, ठीक ना। तो अब देखिए इसको किस तरह किया जाए। यहाँ पर कुछ नहीं तो मान लीजिए सबसे पहले बीच वाली संख्या यानी भाज्य निकालना पड़ेगा कि भाज्य कितना होगा। तो अभी उस भाज्य में 13, 11, 9 से भाग देना पड़ेगा। तो आप कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पर 1 मान लीजिए, 0 मान लीजिए। 0 मान लेंगे तो और आसान हो जाएगा। तो इस पार्टी पर गुणा करना है, इस लाइन पर प्लस करना है, ठीक ना। तो 13 से 0 में गुणा, 0 में 8 जोड़ देंगे, ये गुणा हो गया, ये जोड़ेंगे। तो 0 में अगर 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8, ठीक। फिर 11 से 8 में गुणा तो कितना हो जाएगा, 11, 8, 88। 88 में अगर 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9, 8, 17 यानी 97 हो जाएगा, ठीक ना। फिर 9 से 97 में गुणा, 9 से 97 में गुणा तो कर दीजिए, 9, 7, 63, 3, 8, 6, 9, 81, 6, 87। फिर कितना जोड़ देना है, 8 जोड़ देना है। इसमें अगर 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 881 हो जाएगा, 881। तो ये आ गया क्रम दोस्तों। तो अब कह रहा है कि यदि विभाजकों का क्रम पलट दिया जाए, तो यानी 9, 11, 13 से भाग दे रहे थे, अब 13, 11, 9 से भाग देंगे तो कितना आएगा। तो देखिए दोस्तों, ये भाज्य कितना आया है, ये 881 आया है ना। तो अब भाग दे दीजिए, 881 आया ना, तो 881 और इधर कर लीजिए 881। तो 881 में 13 से भाग दीजिए तो कितनी बार जाएगा, 13 6 78 13 7 91 यानी 13 6 78, तो 79, 80 यानी कितना बच गया। 881 में भाग दे दीजिए 13 से 13 6 78, फिर 0, फिर यहाँ पर 1, तो ये 0 और 1, तो 13 7 91 7 बार जाएगा। तो 0, 1 यानी कितना, 67 बार गया, 67 बार। तो 67 बार कितना रिमाइंडर बच गया, 10 बचे। फिर 11 से 67 में भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, कितना 11 6 66 यानी 1 रिमाइंडर बच जाएगा। 11 6 66 11 से भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, 1 रिमाइंडर। इधर शेष लिखना है, इधर शेष लिखना है। फिर 9 से भाग दीजिए, 9 से भाग देंगे 6 में तो कितनी बार जाएगा, तो भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब शेष कितना बचेगा, 0 बार भाग जाएगा। 0 बार अगर भाग जाएगा तो कितना शेष बचेगा, 6। अब कितना रिमाइंडर आ गया दोस्तों, 9 आंसर क्या हो गया, कितना शेष आया, 10, 1 और 6। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 10, 1, 6 यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी समद्विबाहु, समद्विबाहु मतलब इसकी दो भुजा बराबर हो, तो समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर दे देते, इस त्रिभुज की परिमिति यानी परिमाप बताना है, ठीक ना। तो कोई समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज बना सकते हैं जिसकी दो भुजा बराबर है, एक है 7 सेंटीमीटर एक है 15 सेंटीमीटर। तो इसका परिमिति पूछा है। तो देखिए दोस्तों, त्रिभुज के लिए, त्रिभुज कोई भी अगर त्रिभुज बनेगा तो उसका कंडीशन क्या होता है, किन्हीं दो भुजाओं को जोड़ने पर तीसरी भुजा के बड़ी होती है, तीसरी भुजा से बड़ी होती है। तो अगर 7 दिया है, एक 15 दिया है, तो अगर समद्विबाहु है तो दो भुजा बराबर होगी। तो मान लीजिए एक और 7 मान लीजिए, एक और 7, तो कितना, अब देखिए 7 और 7 जोड़ेंगे तो 14 यानी इससे कम है। नियम होता है त्रिभुज का कि दो भुजाओं को जोड़ने पर तीसरी से बड़ी आनी चाहिए, तो ये तो नहीं हो सकता है। तो अब ले लीजिए 7 15 और 15 ले लीजिए, तो देखिए 15 15 30, तो तीसरी से बड़ी हो गई, 15 7 21 22, तो इससे भी बड़ी हो गई। इसका मतलब कि हमारा भुजा का माप क्या हो गया, 7 15 15, ठीक। परिमिति पूछा है ना,
परिमिति में तो हम परिमाप जोड़ दीजिए, 7 + 15 + 15 = 37 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसने नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो वृत्तों के व्यासों का योग 35 सेंटीमीटर और परिधियों का अंतर 22 मीटर है, तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। देखिए दो वृत्त है, एक बड़ा वृत्त है एक छोटा वृत्त है, तो इस बड़े वृत्त की त्रिज्या मान लीजिए कैपिटल आर और छोटे वृत्त की त्रिज्या मान लीजिए स्मॉल आर। तो अब कह रहे हैं कि व्यासों का योग 35 दिया है, तो व्यास मतलब आर और आर 2r, तो पहले वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा 2r कैपिटल आर और दूसरे वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा 2 स्मॉल आर का योग दे दिया है 35। तो अगर दो कॉमन ले लेंगे दोनों में से कितना हो जाएगा, दो कॉमन लेंगे दोनों में से कॉमन निकाल लीजिए, ठीक ना, तो आर प्लस आर बचा बराबर 35। आर प्लस अगर आर निकालेंगे तो दो नीचे चला जाएगा, दोनों के बीच में उड़ा है, तो आर प्लस आर बराबर 35/2 यानी 17.5 सेंटीमीटर। अब कह रहे हैं दोस्तों कि दोनों की परिधियों में अंतर 22 मीटर है, ये क्या है मीटर है, ठीक ना, परिधियों में, तो इसकी परिधि क्या हो जाएगा दोस्तों 2πr, और इसकी परिधि क्या हो जाएगा 2π स्मॉल r का अंतर दिया है कितना 22 मीटर। तो आप कर लीजिए दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों, दोनों में कॉमन 2π इसमें भी है 2π इसमें भी है, तो 2π निकाल लीजिए तो क्या बचेगा कैपिटल r माइनस स्मॉल r बराबर 22। कैपिटल r माइनस स्मॉल r निकालेंगे तो 2π नीचे चला जाएगा, यानी क्या हो जाएगा कैपिटल r माइनस स्मॉल r बराबर 22/2π। पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है, तो 22/7 अगर रख देंगे तो 22/7 है, ये 7 ऊपर चला जाएगा, 7 ऊपर, तो आप कटा दीजिए 22 से 22 खत्म, तो कैपिटल r माइनस स्मॉल r कितना आ गया 7/2 बराबर कितना, इसको 2 से भाग देंगे तो 3.5। तो कह रहा है कि छोटे वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, तो अब देखिए दोस्तों छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए छोटे वृत्त की त्रिज्या चाहिए, त्रिज्या पहले निकाल लीजिए। देखिए एक इक्वेशन ये आया है और दूसरा इक्वेशन ये आ गया है, यानी एक आ गया है कि कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बराबर 17.5 आ गया है, और एक इक्वेशन आया कि कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बराबर 3.5 आ गया है। तो अब छोटे वृत्त की त्रिज्या निकाला है यानी स्मॉल आर, तो दोनों को जोड़ेंगे तब तो ये कट जाएगा, तो दोनों को घटा दीजिए, तो घटाएंगे तो ये विपरीत चिन्ह, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो ये खत्म। तो कैपिटल स्मॉल आर आ स्मॉल आर 2r आ 17.5 में से 3.5 घटा देंगे, तो 5 + 5 घटा 0 आ 17 में से 3 घटा कितना हो जाएगा 14 यानी 14.0 यानी 14 कह सकते हैं इसको। स्मॉल आर निकालेंगे तो 2 से भाग हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14/2 14, स्मॉल आर का मान आ गया 7 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल पूछा है कि छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकाल लीजिए कितना हो जाएगा 2πr² 2 × π का मान 22/7 × r का मान 7, यहाँ पर 7 रखेंगे तो 2 बार है, तो 7 × 7 1 × 7 = 7 खत्म, पूरा कर दीजिए 22 × 44 × 7 फिर 24 × 28 और 24 × 28 29 30 308 वर्ग मीटर 308 वर्ग मीटर यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है तो तथा वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है, तो ब्याज की वार्षिक दर बताइए। कह रहे ना कि प्रतिशत दर और वर्षों की संख्या यानी टी बराबर है, तो दोनों को मान लीजिए एक्स, दोनों को एक्स मान लीजिए, तो दोनों को मान लीजिए कि एक्स, तो कह देंगे कि एक्स प्रतिशत यानी एक्स वर्ष। अब कह रहा है कि यदि जो मूलधन ब्याज है मूलधन का 1/4 है, तो 1/4 का मतलब क्या दोस्तों, 4 से ऐसा संख्या मानिए कि 4 से कटे, तो क्या मान लेंगे 100 मान लीजिए, 100 आसान हो जाएगा, ठीक, तो मान लेंगे कि माना मूलधन कितना पी मान लेंगे 100 रुपया, तो मूल ब्याज मूलधन का क्या है 1/4 है, तो ब्याज यानी एसआई कितना हो जाएगा मूलधन यानी 100 का 1/4, तो कितना हो जाएगा 4 से कटा देंगे तो 25 यानी एसआई हो गया 25 रुपया। तो अब हमसे पूछा है आर पूछा है, तो आर बराबर क्या होता है एसआई गुणे 100 / पी गुणे टी होता है। तो अब मान रख दीजिए कि आर, आर का मान कितना, आर का मान एक्स बराबर
सौ गुड़े एसआई गुड़े सौ, एसआई कितना है 25 गुड़े सौ बटा में पीटी, तो पी कितना है 100 और टी कितना रखेंगे एक्स, यानी 100x, 100 से 100 खत्म, तो एक्स से एक्स में गुणा कर देंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर नीचे 1 है तो एक से 25 में गुणा 25 तो वर्ग है, तो अगर वर्ग हटाएंगे तो क्या हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा, तो एक्स बराबर 25 किसका वर्गमूल है 5 का वर्गमूल है यानी 5, तो हमसे दर पूछा है ना तो 5% हो जाएगा यानी आर बराबर कितना 5%, आर बराबर 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो नल ए तथा बी एक टंगी को क्रमशः 6 मिनट और 7 मिनट में भर सकते हैं, ए से आरंभ करते हुए प्रत्येक नल को बारी बारी से एक एक मिनट के लिए खोला जाता है, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए दोस्तों जो बारी बारी से दोनों को पारी पारी से खोला जा रहा है, तो पहले मान लीजिए कि ए आरंभ कर रहा है, ए आरंभ दिया है कि ए आरंभ कर रहा है, जैसे मान लीजिए कि अगर एक मिनट के लिए ए को खोला जाए ठीक ना, तो ए काम कर रहा है तो बी नहीं कर रहा है, फिर बी को खोला जा रहा है तो बी कर रहा है तो ए नहीं कर रहा है, फिर इसी तरह ए कर रहा है फिर उसी तरह बी कर रहा है, यानी ए स्टार्ट किया यानी बीसम स्थान पर स्टार्ट किया, बीसम स्थान पर, और जो बी स्टार्ट किया सौम स्थान पर ठीक ना। तो अब देखिए दोस्तों पहले देखिए ए भर रहा है कितने 6 मिनट में, 6 मिनट में, अभी भर रहा है 7 मिनट में, तो दोनों के क्या कर देंगे एलसीएम पता चल कर लेंगे कुल कितना काम है, कुल कितना काम है, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 42, ये कुल काम हो गया 42 कुल काम, तो 6 से भाग दीजिए तो 7 बार और 7 से भाग दीजिए तो 6 बार, इसका मतलब कि ए अगर 1 मिनट में ए कितना भर रहा है 7 बार ठीक ना, 7 काम कर दे रहा है, बी 1 मिनट में 6 काम कर रहा है। देखिए दोस्तों अब ए बी निकाल लीजिए कि ए बी, तो 1 मिनट यहाँ पर लगा 1 मिनट यहाँ पर, यानी 2 मिनट में ए बी करेंगे, तो 2 मिनट में ए बी कितना कर ले रहे हैं ये पता कर लीजिए, 2 मिनट में, तो 2 मिनट में ए बी कितना काम करेंगे, ए प्लस बी कितना काम, तो 2 मिनट में तक ए कर रहा है कितना काम 7 मिनट 7 काम, बी कर रहा है कितना 6 काम, यानी 7 6 13, यानी 2 मिनट में दोनों कर दे रहे हैं 13 काम, कुल कितना काम है 42 काम है, तो इस उड़ा कर दीजिए 13 का ऐसा उड़ा कर दीजिए कि 42 के निकटतम आ जाए, तो 13 43 13 44 4 बार अधिक हो जाएगा तो 3 बार 13 43, और तो 3 से यहाँ पर उड़ा के, तो यहाँ पर भी 3 से 3 उड़ा के 6, यानी 6 मिनट में 39 काम हो गया 6 मिनट, तो कुल समय पूछा है ना, तो टोटल टाइम निकाल लीजिए तो 6 मिनट तो यहाँ पर हो गया 6 मिनट, आ कितना काम बच गया 39 काम हो गया, 42 काम था तो कितना काम बच गया, तो 42 माइनस 39 यानी 9 3 12 यानी 3 काम बच गया, 3 काम बच गया, तो इस 3 काम को कौन करेगा दोस्तों, देखिए 6 मिनट हो गया है फिर 7वें मिनट कौन करेगा, 7वें मिनट 7 कौन सी संख्या है, विषम संख्या है कि सौम, ये विषम है तो विषम स्थान पर कौन कर रहा है एक कर रहा है, यानी 7वें मिनट में एक करेगा, तो टोटल टाइम हो जाएगा 6 प्लस कुल काम शेष काम यानी 3 और एक करेगा, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है 7 काम, तो 7 से 12 यानी 6 सही 3/7 मिनट लगेंगे कुल काम खत्म करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि 15 गाय 9 दिन में 2700 किलोग्राम अनाज खाती है, तो 18 गाय 30 दिन में कितने किलोग्राम अनाज खाएगी, तो देखिए दोस्तों M1D1 को कर लीजिए कि M1 गुणे D1 बटा में W1, W1 मतलब कार्य कितना कितना खा रही है वो किलोग्राम वाला कार्य कहा जाएगा, आइए M2 गुणे D2 बटा में W2, तो कर लीजिए कि 15 गाय 9 दिन में, तो 15 गाय यानी M1 9 दिन में D1 कितना अनाज खा रही है 2700 किलोग्राम, तो 18 गाय 30 दिन में कितना अनाज खाएगी यानी एक्स कर लेंगे ठीक ना, तो अब इसको कटा लीजिए, देखिए 9 से 9 3 27 300 बार खत्म, 15 से 15 गुना के 30 1 0 यानी 20 बच गया, तो अब गुणा कर दीजिए एक्स से यहाँ पर एक बचा है, तो एक से एक में गुणा एक्स और 20 से 18 30 में गुणा 20 गुणे 18 गुणे 30, तो गुणा कर दीजिए कितना हो जाएगा 3 दुना का 6 और 18 6 के 3 दुना का
18 में 6 से गुणा कर दिए, 6 से 48 और 6 एकम 6 4 10 18 6 108 और कितना 0 2 थे 0 यानी 10,800 किलोग्राम अनाज खा जाएंगी 18 गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सात मकड़ी सात दिन में सात जाल बुनती है तो एक मकड़ी एक दिन में कितने दिन में बनाएगी, एक मकड़ी एक जाल, तो उसी तरह कर लीजिए कि सात मकड़ी सात दिन में सात जाल यानी डालू है तो एक मकड़ी कितने दिन में यानी डी पूछ रहा है एक जाल बनाएगी यानी डब्लू वन, ठीक ना, एक मकड़ी कितने दिन में एक जाल, तो पढ़ लीजिए इसको सात से सात खत्म, तो ये सात से एक उड़ा सात बराबर डी से वन उड़ा डी यानी कितने दिन लगेंगे सात दिन लगेंगे बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 624 रुपए को ए बी सी में 1/2 1/3 1/4 के अनुपात में बांटने पर सी का भाग पूछा है, तो 624 रुपए को बांटना है ना, तो कुल मूल्य दे दिया कितना, कुल मूल्य 624 रुपए, आ ए संबंध बी संबंध सी कितना दे दिया है 1/2 1/2 3/4 यानी 1/2 संबंध 1/3 संबंध 1/4, तो अब रेशियो निकाल लीजिए दोस्तों, रेशियो एक्यूरेट रेशियो निकाल लीजिए तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 12, तो 2 से भाग दीजिए तो 2 6 12 6 बार, 3 से भाग दीजिए 3 4 4 बार, 4 से भाग दीजिए 4 3 12 3 बार, यानी कितना आ गया 6:4:3, नीचे जो एक्यूरेट जो 12 दिख रहा है उसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक, तो अब सी का भाग पूछा है तो सी का भाग निकाल लीजिए, तो सी का भाग यानी सी को कितने रुपए मिला, तो कुल कितने रुपए है 624 रुपया, तो सी का कितना है ए बी सी तीन हिस्सा है तो 3/3, तो सूत्र होता है अनुपात बटा अनुपाती योग, ठीक ना, वीडियो मैंने बना रखा है बांटने के लिए, 6 4 10 3 13, तो 13 से कटा दीजिए इसको, 13 2 6 13 13 5 13 55 53 52 और 10 बचा ना, 13 7 13 8 104 कितना हो गया 48 × 3, 3 8 × 24 के 4 हासिल, 2 3 4 12 13 14 144 रुपया हो जाएगा, सी को मिलेगा 144 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी व्यापारी ने अपने 3/4 माल का 20% लाभ पर तथा शेष को क्रय मूल्य पर बेच दिया, इस संपूर्ण माल की बिक्री पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है। देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि जो व्यापारी है वो 100 kg माल खरीदा है, ठीक ना, कितना खरीदा है 100 kg, आ 100 kg खरीदा है तो इसको बेच दिया है 100 रुपए में, खरीदा है 100 रुपए में ना, 100 kg 100 रुपए में खरीदा है, इसलिए मान लीजिए कि 100 kg कितने रुपए में खरीदा है 100 रुपए में, और कह रहा है दोस्तों कि 3/4 माल को 20% लाभ पर बेच दिया, 3/4 100 क्यों माना है दोस्तों, क्योंकि 3/4 4 से ये 100 कट जाएगा इसीलिए 100 माना गया, ठीक ना, 3/5 रहता तो ऐसा मान दे कि 5 से कट जाएगा कुछ भी है, तो 3/4 माल को 20% लाभ पर बेच दिया तो कितना माल है 100 ग्राम है, इसमें से 3/4 यानी 100 का 3/4 निकाल लीजिए 3/4 कटा दीजिए 4 से 25 बार ये खत्म 25 75 यानी 75 kg को बेच दिया कितने रुपए में 75 kg, इसमें निकाल रहे ठीक कि 75 kg को कितने रुपए में बेच दिया है 20% लाभ पर बेच दिया है, तो इसको 20% लाभ पर कर दीजिए यानी 120/100 0 से 0 खत्म, 5 से 5 × 10 और 5 × 5 और 2 7 50 25 5 × 5 2 50 25 ठीक है, 15 बचा 2 फिर 2 से कटा दे 2 6 12 6 बचा तो 15 6 90 यानी कुल यानी 3/4 हिस्सा यानी 75 kg को कितने रुपए में बेच दिया 90 रुपए में, अब कह रहे हैं शेष सामान को क्रय मूल्य पर ही बेच दिया, तो शेष कितना बचा है, शेष बचा है 100 kg में 75 kg तो बेच दिया तो कितना बचा, 100 में से 75 घटा देंगे 100 में से 75 बेच दिया यानी 25, तो 25 kg को कितने में बेच दिया है 25 रुपए में, तो उसे कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो कुल कितने रुपए का बेच दिया दोस्तों, देखिए यहाँ पर बेचा है 90 रुपए का और यहाँ पर कितने रुपए का बेच दिया है 25 रुपए का, कितना रुपए में बेच दिया 5 × 9 = 10 115 रुपए में बेच दिया, और खरीदा था 100 रुपए में और बेच दिया 115 रुपए में, तो कितने प्रतिशत प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट पूछा है ना, तो प्रॉफिट 15% का, ठीक ना, 100 से 15 115 कितना अधिक है 15 यानी 15% का क्या हुआ उसे लाभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है,
तो इसे विक्रय मूल्य इसे किस मूल्य पर बेचा जाएगा 25% का लाभ हो, तो 450 रुपए में बेचा है दोस्तों तो उसे 25% की हानि हो रही है। 25% हानि का मतलब 75 100 में से 25 घटा देंगे तो कितने रुपए में बेचे कि 25% का लाभ हो, 25% का लाभ का मतलब 125। तो अब देखिए दोस्तों कितने रुपए में बेचना चाहिए कि उसे 25% का लाभ हो, अधिक में बेचना चाहिए तभी लाभ होगा, दोनों में अधिक कौन है 125, ठीक है। और कितने रुपए में 450 रुपए, एसपी निकाल लीजिए कि 450 गुणे अधिक रुपए में बेचना पड़ेगा तभी लाभ होता, दोनों में अधिक कौन है 125 बट्टा में 100, 25 से कटा दीजिए, 25 से 75, 25 बचे 125, फिर 3 से कटा दीजिए, 3 एक में 1, 1 बचा, 3 बचे 15, 1 थे 0, तो गुणा कर दीजिए 150 बचा, गुणे 15 बचा, तो 15 बचे 75, 1 थे 0, तो 750 रुपया। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दोस्तों और लाइक शेयर करना न भूले, धन्यवाद दोस्तों।